ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे सी कृष्ण। कैम छो, कैसे आप लोग? आज आप लोग सोच रहे हैं कि डुमस बीच पे, तो आज हम डुमस बीच पे उड़ाने वाले हैं हमारा ईगल, जो हमने लास्ट ईयर भी इसका व्लॉग लिया था। तो इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि आज फिर से ईगल चगा। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ पर ईगल उड़ाने वाले हैं। और ये हमारी दोरी है बरेली। आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन था कि आप कौन सी दोरी यूज़ करते हो, तो ये हमारी लास्ट ईयर की थी बरेली वन मैन आर्मी, जो हमने रिव्यू किया था। तो इस बार फिर से हम वही से उड़ाने वाले और इस बार बहुत ही मस्त व्यू है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद आज हम यहाँ पे उड़ाने वाले ईगल, यानी बहुत ही मजा आएगा। और आज मेरे साथ मन है, धैर्य है, तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मन क्या लगता है कितनी दूर तक जाएगी? 1 किलोमीटर। फर्क बस इतना कि लास्ट टाइम हमने जो ईगल साइड पर हमने दूसरा यूज किया था, जो दूरी थी वो अलग दूसरी ईगल की थी जो इसके साथ है थी, और इस बार हम चल रहे हैं। यूनिक करने का मजा आ गया। तो यहाँ पे हमारा ईगल क्रैश लैंडिंग होती है, क्रैश होते हुए तो यहाँ पे हमारी ईगल क्रैश हो गई, वो भी गीली भी हो गई। यहाँ पे जैसे शुरू किया वैसे ही खत्म हो गया। ये देखो बेचारे अभी भी उड़ना चाहती है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये फट गई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो नहीं था कभी, क्योंकि हमने पहले भी उड़ाई थी। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार करके आगे चलते हैं। क्रैश तो कोई बात नहीं, डुमस बीच पे आया था, एंजॉय करके ही जाएंगे। यहाँ पे भजिया खाएंगे, आप लोगों को डुमस बीच दिखाएंगे, और यहाँ पे मेरे साथ सभी मेरे फ्रेंड्स भी है, तो आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे एंजॉय करके जाएंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ईगल है वो क्रैश हुई, उसका कारण पता चलता है कि जो दूसरी साइड ऐसे स्टिक थी ना, वो जब नीचे ऊपर गई तब ज़्यादा एयर पवन की वजह से वो निकल गई, यानी एक साइड की स्टिक रह गई और दूसरी साइड की निकल गई बीच में से, जिसकी वजह से हमारा ईगल क्रैश हो गया। अब कोई बात नहीं, अब ईगल को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। लास्ट 1 ईयर से संभाल के रखा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आज इससे अलविदा ले लेते। अब हम यहाँ पे मैगी खाएंगे और एंजॉय करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा वीडियो दिखाने की ट्राई करूँगा कि डुमस बीच कैसा है। वैसे हमने यहाँ के बहुत सारे व्लॉग बनाए, जिसमें मैं डुमस बीच की हिस्ट्री भी बताई थी आप लोगों को, दरियाई गणेश जी की हिस्ट्री, जो यहाँ पे मंदिर है, टेम्पल है डुमस बीच पे, उसकी भी हिस्ट्री बताई थी। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज फिर से व्लॉग शूट करते, लेकिन स्टार्टिंग में पोपट हो गया। तो कोई बात नहीं, अब मैगी खाते, भजिया खाते और एंजॉय करके चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने डुमस बीच पे आए और मैगी और भजिया नहीं खाया तो क्या खाया। तो अभी हमने यहाँ पे सभी मैगी मंगाए, ये वेजिटेबल है, ये नॉर्मल मैगी है, प्लेन मैगी, और हमने फुल स्पाइसी करवाई है। धैर्य, टेस्ट हम टेस्ट करके आपको रिव्यू देते हैं, क्योंकि डुमस बीच पे मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। वेजिटेबल मैगी बहुत ही टेस्टी है। हमने यहाँ सभी लिया है मैगी, और डुमस बीच पे आप कहीं पे भी जाओ मैगी आपको बेस्ट ही मिलेगी।
और यहाँ पे प्लेन मैगी भी इतनी मस्त लगती है स्पाइसी। मैं आपको एक एडवाइस दूँ कि कभी भी यहाँ तो स्पाइसी मैगी कहना, क्योंकि स्पाइसी मैगी बहुत ही मस्त बनती है। तो अभी हम देखते हैं आगे, भजिया भी खाएंगे, डुमस बीच भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं लव टेम्पल, ये आप पीछे जो लेख रहे हो, आई लव टेम्पल यानी आई लव पीस, यानी ये जो टेम्पल और इन विश बोल, यानी यहाँ पे जो भी आप विश मांगते हो वो आपकी कंप्लीट होगी। जैसे जो बैल है वो बैल को आपको खींच के जो भी आपकी विश है जो यहाँ पे बोलनी होती है वो ख़त्म होती है। हमारे ऐसा कुछ खास है नहीं लव से रिलेटेड, इसलिए फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार जाके आता हूँ। Ring the bell with lots of love and faith. Send your good wishes with echo sound of bell. One get peace and blessings. यानी यहाँ पे आपको lot of love. वैसे तो हमारा कोई है नहीं, लेकिन एक बार कर लेते। और यहाँ पे बहुत ही मस्त है ये। I love peace. या temple of wish. यहाँ पे जो भी wish है आप मांग सकते हो आके। मैंने सोचा कि डुमस तक आया तो आप लोगों को यहाँ भी दिखा देते। वैसे तो हमने इसका पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरा डुमस बीच और यहाँ के आजूबाजू की प्लेस सब एक्सप्लोर किया, उसका हिस्ट्री भी आप लोगों को दिया। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड में दे दूंगा। जैसे आज आए थे तो ईगल उड़ाने के लिए, लेकिन ईगल क्रैश हो गया, तो मस्त खा पी के घूम के जाएंगे और क्या। तो चलो चलते अब आगे, चलते दूसरी कोई यहाँ पे लोकेशन हो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कैसा लगा डुमस विद धैर्य? और भाई बहुत ही मजा आया आज तो, एकदम ठंडे मौसम में मजा आया स्पाइसी स्पाइसी मैगी खाने का। और यहाँ पे विश क्या मांगी? अरे नहीं, वो विश थोड़ी पर्सनल थी, बता नहीं सकते। बता दी तो तो डुमस बीच पे आए तो भजिया नहीं खाया तो क्या खाया। तो अभी हमने मैगी खाई थी इसलिए ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आपको टेस्ट करके रिव्यू तो देते। तो यहाँ पे पट्टी भजिया, टमाटर भजिया और ये इसको क्या कहते हैं, मन कंद ये कंद के, यानी यहाँ के जो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है ना वो यहाँ के टमेटो भजिया। टमेटो भजिया मुझे यहाँ के सबसे ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही मस्त आते हैं। और इसके टेस्ट यानी भजिया बोलते हैं कि डुमस के भजिया सबसे फेमस है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ कि ये कैसा है। यहाँ का टमेटो भजिया यानी सबसे बेस्ट, ये जो टमेटो भजिया इसके अंदर जो ये स्पाइसी भी रहता है और इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सभी भजिया बेस्ट मिलते हैं और उसमें यहाँ पे ये जो सबसे फेमस है, ये जो शॉप है स्टार्टिंग में ही है, लश्करी भजिया सेंटर, सबसे फेमस है, हर बार हम यहीं से ही खाते हैं। तो भजिया खाते फिर आगे चलते, आगे और कोई जगह जाएंगे तो उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे सामने काका की चाय, वो भी डुमस में सबसे ज़्यादा फेमस है। काका की चाय यानी वो सॉन्ग के साथ चाय बनाते हैं, हमने इसका भी वीडियो लिया था काका का, जो बहुत अच्छा सिंगर भी है। तो डुमस भी इस पर आए, मैगी खा ली, भजिया खा लिया और अब आए काकानी स्पेशल चाय। यहाँ पे काका बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और उनके साथ यहाँ पे उनकी बहुत ही मस्त चाय भी मिलती है। तो चाय तो लवर है हम, इसलिए चाय तो पियेंगे, लेकिन साथ में आज काका मस्त एक गीत भी हमें सुनाएंगे। बहुत ही मस्त सॉन्ग है, इनकी आवाज़ भी बहुत ही मस्त है। तो काका की अब अगर सुबह आते तो चाय की चुस्की के साथ आपको काका की मधुर आवाज़ से एक सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। तो वो पहले सॉन्ग सुनते दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है।
बर्बादी की तरह ऐसा मोड़ा। यहाँ पे टी की प्राइस 20 रुपीज़ है और कॉफ़ी की प्राइस 40 रुपीज़ है, और काका की चाय के साथ सॉन्ग सुनने में जो मज़ा आता ना यहाँ पे वो अलग ही है। काका ने हमारे स्पेशल एक सॉन्ग गा के हमें भी सुना। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी प्लेस, अब हम अगले नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, उसका भी वीडियो आप लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम घर पे ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लोटस, इन लोगों कह रहे थे कि यहाँ पे लोटस का भी प्लेस है, तो मैंने सोचा कि देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसे यहाँ पे सब लोटस है, और ये जैसे वो गेट है ना, आप डुमस में एंटर करो उसका गेट, उसके साइड में ये जगह है ऐसे जहाँ पे सब लोटस है। वैसे ये इतना कुछ खास नहीं है, फ़ोटोशूट यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इस तरह के प्लेस भी है, यहाँ पे गार्डन भी है, बहुत सारे प्लेस है, लेकिन आज के वीडियो में हम सभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात, उसके साथ आज वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, हम उत्तरायण से रिलेटेड तो बना ही रहे। तो एक्चुअली हमारा मेन तो हमारा ट्रैवल व्लॉग की चैनल है। उत्तरायण के बाद हम मैं सोच रहा कि बड़ी ट्रिप सब जगह जाता हूँ, ट्रैवल्स का व्लॉग बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अभी जो हमारा ईगल था वो क्रैश हो गया, उसके बाद आज ट्रैवल व्लॉग ही बना देते। तो हमने डुमस जो नई नई प्लेस है डुमस से रिलेटेड वो आपको दिखाई। अगर आपको इसका परफेक्ट वीडियो चाहिए ना, जिसमें आपका सभी इन्फॉर्मेशन हो उसके साथ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में और एंड में भी आ ही रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर से एक नए व्लॉग में मिलता है, तब तक बाय बाय, अलविदा। लेकिन हम बड़ी पतंग को चगा के ही रहे, हमने अभी आ चुका है यहाँ पे फिर से बड़ी पतंग लेके। ये देखें घर पे आके चगाएंगे, लेकिन चगाएंगे डुमस में क्रैश हो गई तो क्या हुआ, एक पतंग दूसरी हम यहाँ लाके उड़ाएंगे।